जहाँ पे रौनक तरसाई है, गमला बॉय अभी भी बचे हुए हैं, डेस्ट्रो को इजीली रिवाइवल दे देंगे, रौनक को दे पाएंगे क्या, ये चीज देखने वाली बात है। क्योंकि सामने मुझे मार्कोस गेमिंग देखने को मिलती है, रॉक क्या जरूर है, उनको पता है फाइट हम निकाल सकते हैं। और एक ग्रेनेड, अगर एक ग्रेनेड यहाँ पे गया तो गमला बॉय का सफर खत्म हो सकता है। गमला बॉय के लगातार ग्रेनेड जाते हुए दिख रहे हैं, क्या रॉक्स वहाँ पे ग्रेनेड करेंगे? अगर रॉक्स वहाँ पे ग्रेनेड करते हैं या वाइपर करते हैं तो मे भी गमला बॉय बाहर होंगे। वाइपर ने किया लेकिन वो ग्रेनेड वो, बट गमला बॉय तो लाइक मतलब पूरी फैक्ट्री लेके चल रहे, रुक ही नहीं रहे वहां पे, ग्रेनेड पे ग्रेनेड, ग्रेनेड पे ग्रेनेड, जितने थे सब थ्रो कर चुके हैं। स्मोक वॉल्स उन्होंने पहले कर दिए थे, ये चीज बहुत सही रही क्योंकि विजन ब्लॉक हुआ सामने वाले प्लेयर का, लेकिन उनका भी तो विजन ब्लॉक हुआ। जेपी गमला बॉय अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं, और वाइपर जी हाँ वो थोड़ा ये एरिया सही है, लाइक अगर आप हाइट एडवांटेज का फायदा उठा के जाओगे तो गमला बॉय के लिए दिक्कतें खड़ी करेगा। और वाइपर ने किया, एसजी जो लगातार चारों मैचेस में कंसिस्टेंट रही है, कल के तीन आज का पहला, और इसमें भी थी कई हद तक, बट सोल के हाथों होगी बाहर, ओवर लेके जाएंगे सोल रॉक्स की अगर बात करते हैं सामने। लेकिन आज के मैच के अंदर क्या रहेगा मुकाबला, मेन वेल टीम सोल की बात करते हैं, अब जोन नहीं, अब जोन के अंदर जाना पड़ेगा। 2 सेकंड का टाइमिंग समझ लीजिए, वो सेकंड भी खत्म हो चुकी है, 7वां जोन क्लोजिंग करने वाला है, जल्दी से जोन के अंदर जाइए नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी। M4 के साथ ही M249 का कॉम्बिनेशन रॉक्स का काफी अच्छा, Level 3 का हेलमेट भी उतना ज्यादा डैमेज नहीं है, बैकपैक को कर दिया जाएगा रिव्यू, लेकिन वहां पे पिट के जैसे ही करेंगे सेल्सियस के मैक्स को डाउन, काफी बढ़िया था। नेड यहाँ पे जाएगा, एक और नेड जाएगा युवा का, एक और नेड यानी कि एक और कैजुअलिटी बन सकती है, लेकिन उतना कंप्लीट नेड नहीं जाएगा। फिर से एक और नेड जाएगा जहां पे मैक्स को सिक्योर भी कर दिया जाएगा, नेड टू नेड यहां पे किए जा रहे, क्योंकि नेड के थ्रू ओपनिंग मिले तो काफी बड़े सी चीजें स्मोक भी करे जाएंगे, क्योंकि जोन के अंदर भी जाना 8 फीट के पास बचे हुए बाकी दो प्लेयर, जोन के अंदर जाना पड़ेगा। एनिग्मा के एवी को भी डाउन कर दिया जाएगा, बिस्बॉट के हाथों वहां पर पूरा क्रश करके ट्राई करेंगे, लेकिन एनिग्मा ऊपर से दो मार को सुनने की फटका ब्लास्ट कर लेगी, लेकिन जल्दी को वापस पॉइंट पे वाइपर डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे। उसी के साथ में मार्कोस गेमिंग का सफर हो जाएगा खत्म, सक्सेस के कार्तिक को भी वहां पे 8 फीट के युवा डाउन करेंगे, यानी कि 8 फीट के पास बचे हुए अब युवा इकलौते सामने टीम सोल के दो प्लेयर्स, साइड में आपको मिलेंगे सेल्सियस के कुछ प्लेयर्स, लेकिन एक बड़ी चुनौती यहाँ पे अभी भी आपके सामने खड़ी है। लेकिन विक्सी के ऊपर जाएंगे, 1v1 के ऊपर युवा को लेना पड़ेगा यहाँ पे, 1v1 हाथ में नजर आ जाएगी एमके, लेकिन विक्सी थ्रोन शॉट काफी ज्यादा होगी। I think वहाँ पे कंफ्यूज हो गए दोनों प्लेयर्स में, इसमें किसके ऊपर शॉट कनेक्ट करें, उनके सामने जो था उस पर ट्राई किया, पीछे शॉट कनेक्ट हुए और सिलसिले सफर खत्म होगा। नाउ वी हैव लास्ट टू टीम, और ये प्लेऑफ का V3 का दूसरा मैच है गाइस, और D2 का, और आपको देखने को मिल रही है एनिग्मा वर्सेस टीम सोल इन द लास्ट सर्कल गाइस। सो क्या लगता है, वाइपर को किया बाहर टीम एनिग्मा ने, निकाला है विनर विनर चिकन डिनर। और जो जेपी ने प्रेडिक्शन दी थी, जेपी की प्रेडिक्शन बहुत परफेक्ट एक्यूरेट यहाँ पे लगी है, क्योंकि उन्होंने बोला एनिग्मा निकाल सकती है और एनिग्मा ने ही निकाला।